सर, पिछले 4-5 दिनों से जब से सिचुएशन बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, तो हमको बहुत ज्यादा फिक्र और सोच हो रही थी सर। और ये लोग पिछले 2-3 दिनों से सर्च कर रहे, हाउस टू हाउस वन बाय वन सर्च कर रहे कि उनको निकाल ले सर, और कुछ लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते सर। बाकी हम अपने घर वालों के बारे में बहुत फिक्रमंद है सर, बहुत सोच रहे, निराशा बहुत हो रही है सर। और दूसरा मेन चीज ये है सर कि इन लोगों का पास्ट हमें पता है, पास्ट में इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है, बहुत ज्यादा। यानी ना कोई बाहर जा सकता था, ना मीडिया, ना टीवी, ना न्यूज़पेपर्स, किसी को ये लोग नहीं छोड़ते। पूरा मीडिया सेंसरशिप उस समय में भी था, अभी भी है सर। रिसेंटली इन लोगों ने कंधार जब ऑक्यूपाइड किया, तो उधर वन बाय वन 400 लोगों को इन लोगों ने निकाला, और वन बाय वन और को असैसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया सर। तो अभी आप लोगों का घर वाला से बातचीत हो रहा है कहीं, कहीं कम्युनिकेशन कुछ भी? 2 दिनों से सर कम्युनिकेशन फेलियर था, कम्युनिकेशन गैप था, हम बात नहीं कर सकते थे। लेकिन कल शाम से थोड़ा बात कर सकते हैं सर। घर वाले सब होम आइसोलेटेड है, घर पर है सर, और ना कोई बाहर जा सकता है। क्योंकि सर कल उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया था कि 8 बजे के बाद रात को मत निकलो, कर्फ्यू है सर। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू है, और दिन भर भी कर्फ्यू जैसा ही सर समा होता है, ना कोई बाहर जा सकता है। सब डर इस तरह, डर, फियरनेस, होपलेस और हेल्पलेस लोग सर हम बन गए हैं। अभी ना कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं। वर्ल्ड ने हमारे साथ सर अभी तक वो नहीं किया जितना हम सोच रहे थे सर। बिफोर दैट के वो लोग काबुल में एंट्री कर दे, कुछ परिवारों ने सर अपने लिए थोड़ा स्टोर करके रख दिया था फ्रिज में, बाकी चीजें सर ऐसे रखे थे। और अफगानिस्तान इस तरह सर उधर फूड बहुत मिलता है पहले से, जो लोग है एग्रीकल्चर बेस्ड लोग है सर। तो आप लोगों ने यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ने आए हुए हैं, यहाँ कितना लड़का है वैसे कि लड़की है जो अभी यहाँ पे है और अपना देश को लेके इस तरह से जो खबर सुन रहे हैं? सर टोटल 11 स्टूडेंट्स थे हम यहाँ पर, उनमें से 2 लड़कियां थी, वो रिसेंटली पास आउट होकर घर चली गई है। अभी रिसेंटली काबुल गए हैं लास्ट महीने में सर। और 9 बच्चे अभी भी इधर है सर, उनमें से मोस्ट ऑफ देम पास आउट स्टूडेंट है, लेकिन घर नहीं जा सकते सर, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पूरा क्लोज्ड है। उनका कंट्रोल अमेरिकन सोल्जर्स के हाथों में है, अगल बगल का कंट्रोल तालिबान के हाथों में है सर। तो फ्लाइट ऑपरेशन पूरा अफगानिस्तान का सस्पेंड है, ना हम जा सकते हैं उधर, ना एंट्री। तो वहाँ का लड़कियां और बहू जो भी है, लेडीज है, वो कितना सेफ है अभी? कुछ लग रहा सर है उसकी आपको? सेफ्टी का कोई गारंटी है नहीं, अगर आपके कोई गारंटी है तो आप मुझे बोल सकते हो। कल से आप एरोप्लेन देख रहे, एयरपोर्ट का कंडीशन देख रहे हो, सब भागने के ट्राई कर रहे, जा रहे सर।